हे डूड, वेलकम टू टाइम ट्यूब। आई वेलकम यू टू द 23rd एपिसोड ऑफ द मूवीज़ अपडेट। और आज भी हमारे पास हर बार की तरह बहुत सारी अपकमिंग मूवीज़ से रिलेटेड अपडेट है, तो जानने के लिए वीडियो में बने रहना। और ऐसी ही अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही नागव अश्विन की मूवी, मतलब जो डायरेक्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट के, जिसमें दिखाई देंगे आपको प्रभास और दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन। उसमें अब नए कास्ट की एंट्री हो चुकी है, वो हैं दिशा पटानी। ये कंफर्म न्यूज़ है। दिशा पटानी का अभी क्या रोल होगा ये तो अभी नहीं पता चला, लेकिन बाद में जैसे जैसे शूटिंग होगी अपडेट मिलते रहेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये कंफर्म न्यूज़ है कि इनकी एंट्री हो चुकी है इस मूवी में। और दूसरी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है अय्यप्पम कोशियम मूवी के हिंदी रीमेक की बात करते हैं। तो अय्यप्पम कोशियम एक मलयालम मूवी है जिसका मतलब साउथ भाषा में भी रीमेक किया गया है भीमला नायक नाम से। अब इसका हिंदी में रीमेक करने जा रहे थे जॉन इब्राहिम, जो कि मतलब इसमें कंफर्म था कि यही मतलब मेन हीरो होंगे। इसके अलावा जो दूसरा हीरो थे उनके लिए अर्जुन कपूर को, पहले अभिषेक बच्चन को लिया गया था, फिर अर्जुन कपूर को लिया गया, फिर अर्जुन कपूर को हटाया, फिर से अभिषेक बच्चन को लिया गया। तो अब अभिषेक बच्चन इसमें फाइनल है, मतलब इसमें अब दिखाई देंगे आपको जॉन इब्राहिम और अभिषेक बच्चन। तीसरी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मीज़ान जाफरी की अगली मूवी से रिलेटेड। तो अपडेट ये है कि उनकी अगली मूवी जो होने वाली है वो होने वाली है नाना पाटेकर के साथ। मतलब उनकी पहली मूवी जो थी हंगामा 2 थी, उनकी दूसरी मूवी जो थी वो है होने वाली है मिरिंदा बर्दर, जिसकी शूटिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है। अब उनकी तीसरी जो मूवी होने वाली है वो होने वाली है नाना पाटेकर के साथ। तो इससे रिलेटेड और कुछ भी अपडेट आएगा मैं बता दूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो।